है दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। हमारे साथ मौजूद है बंकर फिल्म के स्टार कास्ट। मैम आपसे यहाँ चाहेंगे, ये फिल्म रिलीज होने वाली शुक्रवार, कितने एक्साइटेड है? आखिरकार एक वो लम्हा आ गया जब आपकी फिल्म रिलीज होने वाली, स्टार्ट से कुछ जर्नी आपके बता सकते हैं, बताइए। जी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक तो ये मेरी पहली फिल्म है और पहली फिल्म में इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करने को मिल रहा है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि, और ये भी है कि मैं बहुत प्राउड भी फील कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा फैमिली दिखाना, मतलब मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ जो आमी के फैमिलीज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और तो उसको दिखाने के लिए मेरे को चैलेंजेस भी आए, क्योंकि एक तो ये इतना ईजी नहीं होता है ऐसा दिखाना, क्योंकि हम नॉर्मल लोग वो फील नहीं कर पाते हैं कभी भी, मतलब समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। आप एक गुवाहाटी से आप आई है यहाँ पर, कुछ साल सीधे से बाद स्ट्रगल किया होगा, ये फिल्म मिलने का एक सिलसिला किस तरह से हुआ, कुछ अगर उस पर हाईलाइट करना चाहेंगी? फिल्म तो मुझे, मैंने ऑडिशन दिया था। अच्छा। फिर से बुलाया, 3 बार ऑडिशन दिया, उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग हुआ, तो बस ऐसे ही मिला, फिर फिल्म मिला, फिर थोड़े बहुत वर्कशॉप्स किए हमने, वही था। अच्छा, जी, अच्छा, जी जी जी। अभिजीत सर आपसे जानना चाहेंगे, ये फिल्म से जुड़ा हुआ किस्सा, एक तो आप एक बहुत ही सेंट्रल कैरेक्टर, एक मेन कैरेक्टर निभा रहे, एक अलग तरह का आई थिंक किरदार रहा होगा, क्योंकि आपने आई थिंक इस तरह का चैलेंज पहली बार ही लिया होगा, इस तरह का किरदार बताएं। जी जी, एक्चुअली ये किरदार लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह का, जो कि एक बंकर में पोस्टेड हैं और वो बंकर है पुंछ कश्मीर में, तो चैलेंज तो वैसे ही आपने सुना तो आपको पता चल गया होगा कि चैलेंज क्या रहा होगा। प्लस इसमें एक सॉफ्टवेयर वर्जन दिखाया गया है सोल्जर का, उसका मेंटल ट्रॉमास जो उसके होते हैं ड्यूरिंग वॉर एंड, तो वो दिखाने में हमें चैलेंजेस ये फेस करने पड़े कि आँखें इंजर्ड थी उसकी एंड उसके लेग में भी चोट थी, तो जिसकी वजह से हमें 5 दिन लगातार जो शूट किया वो पूरा बंकर के अंदर विद इंजरीज, सो इंजरीज में था कि आँखों को प्रोस्थेटिक मेकअप से कवर करना था एट द स्टार्ट ऑफ द शूट एंड वो एट द एंड ऑफ द शूट दैट डे उतारना होता था। तो एक्चुअली हमने 16 से 18 घंटे शूट किया है रोज़ 16 घंटे एंड लास्ट डे 21 आवर शूट किया, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज कि हम आँखें खोल नहीं पाते थे, जगते हुए आँखें बंद करने का जो दर्द होता है वो मैंने फील किया उस 5 दिन में। तो ये प्रिपरेशन किस तरह का रहा, जैसे कहा आपने किरदार काफ़ी डिफरेंट है, एक तरह का प्रोस्थेटिक आपको यूज़ करना पड़ा, तो किस तरह का प्रिपरेशन रहा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट। जी जी, प्रिपरेशन में ये था कि हमारे सर जुगल सर मेरे साथ रहने आ गए, हम हाँ 2 महीने के लिए हम लोग 2 महीना साथ रहे, बिकॉज उनका ये कहना था कि तू तो शूट के समय कुछ देख नहीं पाएगा एंड यू हैव टू फॉलो मी, तो फॉलो करने के लिए वी हैव टू बी एक, मैं कहते हैं ना, दो जिसमें एक जान होना पड़ेगा उसके लिए। तो 2 महीने हम साथ रहे, हम एक कार्ट जो होते हैं ना उससे हमने एक 12x8 का बंकर घर में ही बना लिया था एंड हम उसमें ही बिना पंखे एंड एसी के बैठते थे और उस पर ही स्क्रिप्ट रीडिंग, उसमें ही नॉर्मल वर्कशॉप चलती रहती थी हमारी। बात करना चाहेंगे आपके एक बैकग्राउंड के बारे में, आप लखनऊ से आते हैं और आकर यहाँ पर मुंबई में अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं और इस पर ये फिल्म मिलना, ये जो प्रोसेस है इसके बारे में कुछ कहेंगे? जी एक्चुअली मैं लखनऊ से मुंबई आया 2015 में, देन मैंने यहाँ पे एक्टिंग कोर्स किया एक्टर प्रिपेयर्स अनुपम खेर जी के यहाँ से एंड उसके बाद मुझे पता चला कि एक फिल्म शूट होने वाली है शादी में ज़रूर आना मेरे ही शहर में लखनऊ में एंड उसके ऑडिशंस मुंबई में हो रहे हैं, तो वो मैंने ऑडिशंस दिया, देन मुझे लगा कि जैसे और भी ऑडिशंस देता आया हूँ, कुछ होते हैं नहीं होते हैं, ये भी निकल गया, बट 10-15 दिन बाद वहाँ से कॉल आ गया दूसरे ऑडिशन के लिए, करते करते वो ऑडिशन दे के फिल्म मुझे मिल गई, तो उसमें जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था उसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के, उनको मेरा काम बहुत पसंद आया तो उन्होंने मुझे जुगल सर से मिलाया एंड जब जुगल सर से मिलाया तो फिर आगे बात। आप दोनों से जानना चाहेंगे एक दूसरे के बारे में, किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन रहा, वर्क कोऑर्डिनेशन क्या सीखा आपने एक दूसरे से, या क्योंकि आपकी डेब्यू फिल्म भी है राइट? जी आई थिंक यू वांट टू बोथ टॉक अबाउट इट। जी जी जी, एक तो मैं इनको एक्चुअली पहले से जानती थी तो हम लोग साथ में एक्टर प्रिपेयर्स में थे जी, लेकिन हम तब बात नहीं करते थे, तो तब भी सीख रहे थे, मतलब जब थे इंस्टीट्यूट में थे तब से मैं कुछ ना कुछ सीख ही रही हूँ, भले हम उतना बात नहीं करते थे, बट फिर हम यहाँ पे मिले फिल्म में, जब ऑडिशन दिया मैंने तब मुझे पता चला कि अच्छा ये भी है, और तब जाके फिर हम बात करने लगे, दोस्ती हो गई एंड देन
वाज इट शॉकिंग आप इन्हें देखे या पहले पता चल गया था कि या बाद में सेट पे आके पता चला, ऐसा कुछ हुआ था आप? नहीं, जब ऑडिशन दी तभी मुझे पता चला अरे ये भी है, देन वो थोड़ा सा उस समय शॉकिंग था, देन उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। टॉकिंग अबाउट जुगल सर, आई थिंक ही इज अ काइंड ऑफ सीरियस फिल्म मेकर, आई थिंक इस तरह का सब्जेक्ट भी उन्होंने चूज किया है, तो उनसे क्या सीखने को मिला? उनसे तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा सीखने को मिला है, बिकॉज जो एक कठिन सिचुएशंस में से बाहर कैसे निकलते हैं, वो चीज़ मैंने उनसे करनी सीखी। बिकॉज पहले मेरे क्या होता था, कठिन सिचुएशन में मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता था, बट डिप्रेस होने की जगह आपको उसको उससे बाहर निकलने के लिए जो वर्क करना है उस पर ध्यान देना चाहिए, ये मेरे जुगल जी ने मुझे सिखाया। टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, रेखा मैम ने भी अपनी आवाज़ दी है, उस बारे में कुछ बात हुई आपकी उनसे या क्या इंटरेक्शन था कुछ उसके बारे में कुछ कैसे? रेखा मैम, जुगल सर ने मुझे जब बताया कि अपनी फिल्म का गाना रेखा मैम गा रही हैं, तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, मुझे लगा नहीं ये तो मुझे लग रहा मजाक कर रहे हैं। गाना गा के जब उन्होंने डब कर दिया एंड मैंने सुना, तब भी मुझे लगा कि आवाज़ तो नहीं की है, बट क्या सच है ये? बट जब सॉन्ग लॉन्च किया समय मैंने जब उनको देख लिया, उनसे मिल लिया, तब मुझे ट्रस्ट हुआ हाँ रेखा मैम ने गाया है। तो वो बहुत, मैं कम से कम अभी तक 300-400 बार गाना सुन चुका हूँ, दिल के अंदर है वो। एंड आखिर में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को कि फिल्म रिलीज़ हो रही है आपकी, एक ऐसी फिल्म है जो पीस को ज़्यादा ध्यान रखती है, ना कि है ना वॉर के हिसाब से पीस को ज़्यादा ध्यान देती है, तो इस पर क्या कहेंगे और दर्शकों क्या कहेंगे, क्यों देखें आप? दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारी फिल्म जो हमने बंकर बनाई है, ये एक एंटी वॉर फिल्म है जो कि पीस को सपोर्ट करती है, हम पीस को प्रमोट कर रहे हैं, और ये फिल्म हमने बहुत ही प्यार से बहुत दिल से बनाई है, तो प्लीज़ इसे देखें। ये 17 जनवरी 2020 को ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ इसको देखें और हमें बहुत प्यार दें। मैं बोलना चाहती हूँ कि ये एक सोल्जर के ऊपर है स्टोरी, बट हम यहाँ पे सोल्जर नॉर्मली क्या होता है कि बैटल फील्ड्स दिखाते हैं कि वो कैसे फाइट करते हैं, उस पर फोकस होता है, बट यहाँ पे अलग है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया गया है, फोकस दिया गया है, तो आप ये अलग लगेगा आपको देख के, तो ये फिल्म देखने ज़रूर आइए। तो देखा आपने स्टाका से हमने बातें की, और ये फिल्म इस शुक्रवार को रिलीज़ हो रही है, तो आप ज़रूर इस फिल्म को जाकर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर आप लोगों का हमसे। थैंक यू।